अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया था। मैं गई थी अपनी अम्मी के घर, सऊदीया से आ रहे थे मेरे भाई, बस उसको देखने गई थी। दो तीन दिन रह के भी आई, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी तो सोचा दो तीन दिन अम्मी के घर रह के आ जाऊँ। तो बस उसमें कुछ क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी शॉर्ट स्टोरी पे, शॉर्ट वीडियो बना के मैंने आपको साथ कुछ क्लिप शेयर किए थे। तो जी, ये मेरे अम्मी का घर, जिसे हम पहुँचे हैं सबने खाना खा लिया था, हम ही रह गए थे। मेरी भाभी ने बनाया था, बीफ की बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। मेरी भाभी ऐसे भी बिरयानी बहुत मज़े की बनाती है। तो जी, बातें करते करते हमने सारी बिरयानी ख़त्म कर ली और इसके बाद मेरे भाई लाए थे बच्चों के लिए खिलौने। बच्चे वो देख रहे थे, मज़े मज़े के खिलौने लाए थे, बच्चे खोल खोल के चेक कर रहे थे अपने अपने। जी, ये चॉकलेट लाए थे, बहुत मज़े की चॉकलेट थी। इसमें एक गोल वाली चॉकलेट थी, ब्राउन चॉकलेट वो बहुत मज़े की थी, एक वाइट चॉकलेट थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। इधर मेरे भाई खोल रहे हैं, सऊदीया से लस्सी लाए थे वो खोल रहे थे, इसके बाद सब लस्सी पियेंगे। सऊदीया की लस्सी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बस सही थी, ऐसा था जैसे कि दही फेंट दिया और बस गाढ़ी गाढ़ी थी। पाकिस्तान की लस्सी बहुत प्यारी होती है, मीठी वाली लस्सी, उसके ऊपर बहुत मोटी बलाई होती है, बहुत मज़े की होती है वो। ये मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, बस सही थी, ऐसे ही थी जैसे दही को फेंट दिया और गिलास में डाल दिया। बस कुछ चीज़ें वो सऊदीया से लाए थे चेक करने के लिए, कभी जब कोई बाहर से आता है तो वो चीज़ें कुछ लेके आता है उस जगह की चेक करने के लिए कि हाँ ये चीज़ वहाँ पे ऐसी होती है। बस हम वही चीज़ें चेक कर रहे थे। ये वाइट चॉकलेट मुझे सऊदीया का बहुत मज़े का लगा, इधर भी होता होगा लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, बहुत मज़े का था। ये शैम्पू क्रीम्स वगैरह सब कुछ लाए थे वो, ये लाइट लाए थे, इसके बाद गुड़िया लाए बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए भी एक गुड़िया लाए, एक अपनी बेटी के लिए लाए थे। ये बबल लाए थे, ये वाली बबल भी थी, इसमें जो ये पहले पीले कलर की बबल थी ये मुझे ज़्यादा पसंद आई। ये है लोशन, पता नहीं कौन से ब्रांड का है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दूर है। मैं इस टाइम चीज़ें निकाल रही थी, ये थे शैम्पू, पेंटीन, कुछ टब शैम्पू लाए थे, कुछ पेंटीन थे, ये स्विच लाए, बोर्ड है ये, वैसलीन लाए थे और ये कोई बोर्ड है, स्विच टाइप है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आया। अभी मैं देख रही हूँ मैंने वीडियो, पता नहीं क्या क्या बनाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस जो चीज़ें सामने आई मैंने बनाई। दरअसल मेरी बहनें आई हुई थी, उनके बच्चे थे, मेरे बच्चे थे, सब थे, तो बस एक शोर लगा हुआ था। जायमाज बहुत प्यारे प्यारे लाए थे वो, बुज़ुर्गों के लिए कोई आ जाता है तो देखने मेरे भाई को, तो साथ में एक जायमाज उनको देंगे। बस ये चीज़ें लाए थे वो, जायमाज मुझे बहुत प्यारे लगे। पहले जब वो आए थे तो मेरे लिए लाए थे जायमाज, में पहले लेके आई थी, मेरे पास दो ऐसे रखे हुए हैं जिससे मैंने इस दफ़ा नहीं लिया कोई भी। हैंड ब्लेंडर लाए हैं, बहुत मुझे पसंद आया ये सोनाशी का। मेरे लिए कटर लाए हैं, वो मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मेरे लिए मेरे भाई क्या क्या लाए, वो आने वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये अपने घर के लिए जो चीज़ें लाएँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हैंड ब्लेंडर है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये,
जिसके साथ ये जा रहा था। बस ये चीज़ें देखने के बाद फिर रात में शाम के टाइम मेरे भाई जो है मेरे भतीजे भाई से मिल के पर उठा के ले आए थे अपने पापा के लिए। पापा चेक करें कितने मज़े गए हैं, उनको पसंद थे, हमारे लिए भी ले आए। बस हम वो खा रहे थे। इसके बाद मैं डिनर मैंने सोचा मैं बना दूँगी, मेरी भाभी बहुत थक गई थी। फिर मैंने डिनर में बनाया था कढ़ाई और साथ में रोटियाँ मैं बना रही हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। इसके बाद लास्ट में हमने ये खाया ठंडा ठंडा कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड था ये, बहुत मज़े का बनाया था। चलिए इसके साथ इसी ब्लॉग का एंड करते हैं। अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।